So hey there everyone and welcome back to another episode of our Pokemon Black series. Well I know कि एपिसोड्स थोड़े से लेट आ रहे हैं but I was busy with the whole exam stuff जिसकी वजह से मुझे रिकॉर्डिंग का मौका नहीं मिला as usual. बट इसी टाइम पर मैंने अपने डिस्कॉर्ड सर्वर को थोड़ा सा अपग्रेड किया है तो अगर आप लोग चाहे तो वहाँ पर आकर ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नाउ गेटिंग बैक टू द गेम, तो लास्ट एपिसोड में हमें ये पता चला था कि लॉर्ड एन इज एक्चुअली द रियल मास्टरमाइंड बिहाइंड दिस होल प्लान एंड फाइनली उन्होंने एल्डर को हरा दिया है एंड नाउ ही इज द चैंपियन ऑफ यूनोवा रीजन विच इज रियली स्कैरी और वो चाहते हैं कि हम उनसे आकर डायरेक्टली मिले उनके कासल में। एंड लास्ट एपिसोड में भाई वो पूरा जो कासल वाला सीन था ना, इट वॉज सुपर एपिक एंड नाउ वी आर एक्चुअली इनसाइड द कासल जहाँ पर मैं इन दो लवली लेडीज से मिला था। बट नाउ इट्स टाइम फॉर अस टू लीव देम बिकॉज अभी हमें जाना है लॉर्ड एन के तरफ एंड होपफुली हम वहाँ पर पहुँच पाए जल्दी से। एंड ये जो रूम्स है आई थिंक मुझे इन रूम्स को थोड़ा सा एक्सप्लोर करना चाहिए। आई एम नॉट श्योर कि हमें यहाँ पर क्या मिल सकता है। ओके आई थिंक देयर आर आइटम्स एंड टीम प्लाज्मा ग्रंट्स हियर, उनसे बात करके देखते हैं आई मीन व्हाट इज़ गोइंग ऑन, हमें थोड़ा पता चल ही जाएगा। एवरीथिंग इज गोइंग परफेक्टली एज गेट्सिस ऑफ द सेवन सेज इज कैलकुलेटेड एंड प्लान्ड, ही इज़ बीन थिंकिंग अबाउट हाउ ही कैन मैनिपुलेट पीपल्स हार्ट एज ही विश। ओके तो लगता है कि यहाँ पर कुछ ज़्यादा काम की चीज़ नहीं है। वी हैड बीन सीक्रेटली बिल्डिंग दिस कासल फॉर सेवरल ईयर्स बाय ओवर वर्किंग पोकेमॉन दैट वी टूक अवे विदाउट बींग नोटिस बाय एनी वन। वॉट इज़ गोइंग ऑन भाई, इनका प्लान तो पोकेमॉन को ह्यूमन से अलग करने का था ना, तो ये पोकेमॉन को वर्क क्यों करवा रहे हैं? आई हैव नो आइडिया, लेट्स गो इनसाइड। यहाँ पर देखते हैं कि आखिर भाई ये तो पूरा फ्यूचरिस्टिक चीज़ें चल रही है यहाँ पर। यू आवर यंग वंडरर, आर यू सरप्राइज्ड? यस डेफिनेटली, दिस कासल इज़ द हब ऑफ टीम प्लाज्मास नो गेट्सेस ऑफ सेवन सेजेस साइंटिफिक कैपेबिलिटी, अ मैनिफेस्टेशन ऑफ नॉलेज। ओके तो यहाँ पर डेफिनेटली कुछ ज़्यादा काम की चीज़ें नहीं है तो मुझे रूम्स को श्योरली स्किप कर ही देना चाहिए। हाँ ठीक है ओके, पीसी यहाँ पर, अच्छा हम पोकेमॉन को शिफ्ट या फिर चेंज कर सकते हैं, वी डोंट एक्चुअली नीड दैट थिंग राइट नाउ। डू वी हैव टू गो दिस वे? भाई यहाँ पर बहुत सारी रूम्स है, लेट्स गो अप एंड ओ द शैडो थिंग। अ बैटल बिटवीन यू एंड आवर लॉर्ड एन विल रिवील वेदर आवर लॉर्ड एन इज़ एन आइडियल हीरो। It will also reveal how you feel about protecting the current world where people live with Pokemon. Okay, तो ठीक है, लगता है कि हमें सीरियस बैटल करनी पड़ने वाली है लॉर्ड एन के साथ। एंड भाई ही इज़ अगेन हियर, वॉट इज़ गोइंग ऑन? दैट रूम वॉज द वर्ल्ड दैट वॉज प्रोवाइडेड टू आवर लॉर्ड एन। ओके तो ये शायद लॉर्ड एन की रूम है, दैट इज़ कूल, आई एम गोना चेक दैट। आई डोंट फील एनी थिंग इवन वेन आई गो इन साइड इन टू द रूम बट यू मे फील समथिंग। ओके क्या फील क्या करेंगे, लेट्स जस्ट गो एंड चेक। एंड ओ आई थिंक ये उनके बचपन की रूम है। ओके दिस इज कूल एंड यहाँ पर एक आइटम है, वी कैन नॉट गो फ्रॉम हेयर। सो ये क्या हो सकता है? ओह अ रेयर कैंडी, भाई दैट इज़ गुड, दैट्स गोना बी हेल्पफुल जब हम चैम्पियन से फाइट करें, मे बी तब काम आएगा बट नॉट फॉर द टाइम बींग बिकॉज अभी हमारे पोकेमॉन्स के लेवल आर फेयरली इनफ सो आई थिंक विल बी गुड। मैं पूरे इन रूम्स को स्किप कर रहा हूँ बिकॉज मे बी जब हम नेक्स्ट टाइम आए शायद हम रूम्स को एक्सप्लोर कर पाए, मतलब यहाँ पर कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट आइटम्स तो है नहीं। एंड आई थिंक दिस इज़ द प्लेस क्योंकि लग रही है यहाँ पर कोई और रूम है नहीं और यहाँ पर कुछ स्टैचूज भी है, सो आई एम जस्ट गोना गो इन। एंड भाई गेट्सस डायरेक्टली वहाँ पर आ चुका है। दिस इज़ स्कैरी। वेलकम द होल्डर ऑफ लाइट स्टोन, द कासल दैट अपीयर्ड एज इफ इट वेयर एनलोपिंग द पोकेमॉन लीग इज अ सिम्बॉल, इट मीन्स यूनोवा विल चेंज। Okay, definitely this is bad. The king of the castle is the strongest trainer in the world. He is accompanied by the legendary Pokemon. He has defeated the champion. Added to all that, his heart burns with the desire to improve the world. If that's not what it makes a hero, what more do you need? What that the stage is set, we can seize people's mind and hearts. We can bring it being into the world that I know the Team Plasma desires. More easily than you can imagine. We and only we will use Pokemon and shall rule the powerless populace. Okay, भाई, this is dangerous and लगता है कि इस एपिसोड में कुछ ज़्यादा ही बातें चलने वाली है, so sit back and relax because भाई मुझे तो लगता है ये एपिसोड काफ़ी लंबा होने वाला है। Let's just see. I have been waiting so long for this. I have kept my silence so no one would piece together what I planned. Now those painful days are at an end. Go onward. Discover whether you have what it takes to be a hero. And भाई अभी तक हमने रेशिराम को रेजरेक्ट नहीं किया है. This is going to be dangerous. अगर हम लॉर्ड एन से फाइट करते हैं this is definitely going to be dangerous. And भाई साहब this place looks so good. मतलब with this all water and thing भाई it is really cool. And oh लॉर्ड एन is really लॉर्ड एन. मतलब भाई थ्रोन वगैरह पर बैठे हैं वो. He is looking really scary. What I desire is a world for Pokemon and Pokemon alone. I will separate Pokemon from people so Pokemon can regain their original power. Okay, bhai. It's time to settle this once and for all. The determination is absolute. I will prove the value of my beliefs even if it means my Pokemon friends get hurt. Since you have come this far, I believe you are equally determined. If that's so, prove it to me. Show me the depth of your determination. लगता है कि अब हमें बैटल डेफिनेटली करने पड़ेगी. So, yeah, it is kind of nervous. Singh, मतलब मैं थोड़ा सा नर्वस तो हूँ ही. देखते हैं. You can come all this way to battle me, but Reshiram is not responding. You haven't been recognized as a hero, have you? How disappointing. I actually kind of liked you a little. Through our many battles, I got the feeling that you might be a trainer who truly cares for Pokemon. Okay, I do care for my Pokemon. But I was kidding myself. The idea of a trainer getting to know each other through battles is ridiculous. You have two options. Challenge me to a fight you can't win, or leave this place and watch the birth of a new world where Pokemon are freed from people. भाई मैं definitely challenge करूँगा because I have no idea. हम कुछ कर भी नहीं सकते. और Zekrom come to me. And भाई लगता है कि Zekrom आने वाला है. And पूरा cinematic view पर shift हो चुका है. It is scary. And oh भाई पूरा तोड़ वोड़ के बाहर आ रहा है वो. This is really cool. And you can see भाई साहब he is scary. He is definitely scary. And okay भाई ये पावर अप होने वाला है डेफिनेटली. भाई दिस लुक्स सो कूल. एंड फुल ऑन पावर में आ चुका है Zekrom. एंड भाई पानी इवेपरेट हो चुका है. ही इज़ पावरफुल डूड. ही इज़ सो पावरफुल. एंड ओके पूरा पानी इवेपरेट हो गया है. एंड द प्लेस इज़ लुकिंग रियली वियर्ड. बट भाई ही इज़ स्कैरी. एंड देखते हैं. पूरा कासल हिला दिया है इसने. द लाइट स्टोन इज ट्रेम्बलिंग इन साइड द बैग. ओके लगता है कि लाइट स्टोन रिस्पॉन्ड कर रहा है. योर लाइट स्टोन इज Reshiram इज वॉट इज गोइंग ऑन. एंड ओ लगता है कि Reshiram अभी रेजरेक्ट होने वाला है. दिस इज कूल. एंड ये कुछ ऑरा टाइप की चीज़ें खींच रहा है. एनर्जी एंड ऑल आई थिंक. द लाइट स्टोन ड्रॉज द ऑरा ऑफ द सराउंडिंग एंड कन्वर्ट्स इट इन टू पावरफुल फोर्स विच इज़ नाउ बींग रिलीज. डेफिनेटली लगता है कि Reshiram के रेजरेक्ट होने का टाइम आ चुका है. एंड द लाइट बॉल भाई लाइट स्टोन इज़ रियली कूल. एंड शायद अभी हमें Reshiram से फाइट करने का मौका मिले या उसे कैच करने का मौका मिले. आई थिंक हमें कैच करने का मौका मिलेगा ही. बिकॉज इफ़ लॉर्ड एन हैज़ Zekrom देन वी कैन हैव Reshiram फॉर आवर सेल्फ. एंड ही ऑल्सो लुक्स रियली कूल. मतलब Reshiram का डिज़ाइन पूरी तरह से मजेस्टिक लगता है. ही लुक्स रियली स्वीट. एंड भाई अगर मैं Reshiram को कैच करता हूँ मैं मोस्टली तो उसे स्नोई कहना पसंद करूँगा. बिकॉज ही लुक्स वाइट एंड लाइक अ स्नो. बट ही इज़ नॉट आइस टाइप विच इज़ बैड. बट ठीक है अगर हम इसे स्नोई भी नाम देते हैं तो भी ठीक है. वरना अगर हमें मौका मिलता है आई एम जस्ट गोना कॉल इट Reshiram. निकनेम नहीं दूंगा. सो लेट्स जस्ट सी. Zekrom and Reshiram. They were once one life, one Pokemon. Complete opposites, yet same. Zekrom and Reshiram are Pokemon that appear before the hero they recognize. Ah, I see, you really are a hero too. I tell you, you want that Pokemon is saying to you? I want to battle with you. Try to make our friend an ally. It plans to test you to see if you are really pursuing truth. I also am curious to see how powerful you are. Now catch Reshiram and make it your ally, okay? तो लगता है कि इट्स टाइम फॉर अस टू एक्चुअली कैच Reshiram एंड भाई इट्स काइंड ऑफ स्कैरी। और ये हमारा फर्स्ट लेजेंडरी एनकाउंटर है इस गेम का, विच इज़ अमेजिंग। एंड लेवल 50 भाई कुछ ज़्यादा हाई लेवल नहीं हो गया? लेवल 50, वेल वी आर ऑलमोस्ट एट, मतलब क्रू इज़ एट ऑलमोस्ट लेवल 50, तो इट्स नॉट दैट बैड। बट एक लेजेंडरी पोकेमॉन से लड़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। बट वी हैव ड्रैगन टेल एंड फ्यूजन फ्लेयर। भाई सिग्नेचर मूव्स का इस्तेमाल चल रहा है यहाँ पर, एंड दैट हर्ट अलॉट। आई थिंक मुझे इस पर थोड़े से अल्ट्रा बॉल्स का इस्तेमाल करना चाहिए। या लेट्स जस्ट डू दैट, विल सी वेयर इज़ द पोके बॉल्स। ओके, अल्ट्रा बॉल्स तो है मेरे पास, एंड ओके वी हैव अ मास्टर बॉल, तो भाई क्या ही ज़रूरत है। लेट्स जस्ट थ्रो द मास्टर बॉल और रेशिराम को डायरेक्टली कैच कर लेते हैं। भाई मुझे एक्चुअली तो उस पर कुछ मूव भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं थी। आई शुड हैव थ्रोन द मास्टर बॉल, बट मैं भूल गया था। आई थिंक ये हमें प्रोफेसर जुनिपर ने दिया था, आई एम नॉट श्योर। आई थिंक हाँ शायद जुनिपर या उनके डैड ने ऐसा कुछ दिया था हमें ये मास्टर बॉल। बट वी फाइनली गॉट रेशिराम, विच इज़ कूल। एंड डू आई नीड टू निकनेम इट? नो, रहने दो, रेशिराम ही बुलाते हैं इसको अभी के लिए। आई थिंक इस प्ले थ्रू के टाइम पर मैं जो भी लेजेंडरीज को कैच करूँगा मैं उसे निकनेम नहीं दूंगा, विल सी। एंड ओके, तो हमें पार्टी में ऐड करना पड़ेगा इसे। ओके, शेली और ग्रासी में से किसी को हटाना ठीक रहेगा। आई थिंक शेली को हटाना ठीक रहेगा। लेट्स जस्ट मूव शेली एंड रेशिराम इज़ नाउ इन आवर पार्टी। आई सी रेशिराम, हु इज सेट टू लेट इट्स पावर टू द हीरो हु सर्चेस फॉर ट्रूथ, हैज़ रिकॉग्नाइज्ड योर पावर एंड नाउ अग्रीज टू स्टैंड बाय योर साइड। ओके, दिस इज कूल। होल्ड ऑन, योर पोकेमॉन आर हर्ट। This is not triumph to be gained in battling a weakened opponent. And okay, Lord N ने हमारे पूरे पोकेमॉन्स को हील कर दिया है। He is really kind, but भाई क्या करे, upbringing ही उनकी ऐसी है that he had to do this. So उनका आइडिया तो अच्छा है, Lord N का आइडिया अच्छा है, but he is doing it the bad way. So we have to fight him. Now I will create the future I desire. I shall sweep you before me. And here we go, finally we are against Lord N. And actually ये Lord N नहीं है, ये टीम प्लाज्मा के लीडर Lord N है। So it is going to be dangerous. You can see Team Plasma N. भाई it is going to be a really epic battle. और Reshiram versus Zekrom, भाई it's at level 52 और हमारे पास 50 level का पोकेमॉन है। This is bad, ये थोड़ा सा unfair हो गया है। But I think I'm gonna go in with a dragon breath. Hopefully ये इसे finish कर दे, not one shot, मतलब obviously ये one shot तो नहीं ही करेगा इसे, but a dragon breath should actually be good against it. And oh, that was really cool. Let's go for another. और भाई please, भाई giga impact. This is going to hurt a lot. भाई ये definitely, oh भाई almost kill कर दिया है उसने। भाई जा। Yes, we finished off Zekrom. That was easy. मतलब उतना ज़्यादा हार्ड नहीं था, बस 2 मूव। एंड नेक्स्ट इज़ अ कैराकोस्टा। ओके, ये मैंने सोचा नहीं था कि लॉर्ड एन के पास भी एक कैराकोस्टा होगा। आई थिंक हमने लॉर्ड एन से बैटल बहुत टाइम पहले की थी, या शायद करीब 10 एपिसोड्स पहले। आई एम नॉट श्योर, बट हाँ 10-15 एपिसोड्स के पहले ही हमने लॉर्ड एन से बैटल की थी। रिसेंट टाइम में तो आई डोंट रिमेम्बर कि लॉर्ड एन से हमारी बैटल हुई है। बट भाई इनका स्टडी, भाई ये द स्टोन एज इज़ गोइंग टू हर्ट अ लॉट, एंड वन शॉट, लिटरली वन शॉट किया है उसने। और अब तक जैसा मैं बता रहा हूँ, अब तक मुझे एलिट 4 और चैम्पियन, मतलब लॉर्ड एन से लड़ते वक्त किसी भी बैटल में या किसी भी पोकेमॉन के अगेंस्ट एक भी क्रिटिकल हिट नहीं मिला है। अगर आपने देखे हैं एपिसोड्स तो यू नो आई रियली नीड अ क्रिटिकल हिट, मतलब एक भी नहीं, लिटरली एक नहीं मिला है। सो होपफुली आई शुड बी एबल टू गेट इट। एंड भाई अब मिला, फाइनली एक क्रिटिकल हिट मिला फाइनली। और वी आर क्लियरली आउट स्पीडिंग हिम, विच इज़ गुड। एंड अभी स्टडी एक्टिवेट नहीं हुआ, विच इज़ ऑल्सो गुड। We finished up his Caracosta. Next is a Vanillex. मिसबोर में स्विच करना सही रहेगा। Well, I'm just gonna come back in 1 minute. A little later. Okay, so now I'm back. बाहर बारिश चल रही थी तो I was kind of scared because भाई मतलब कभी भी इलेक्ट्रिसिटी जा सकती है. So let's just quickly finish this up. तो चलते हैं सीधा बैटल की तरफ and Vanillex के अगेंस्ट है हम तो I'm gonna use flame charge because इससे दो फायदे होंगे. We will get the speed boost and also he's gonna go down. डेफिनेटली वन शॉट तो हो ही जाना चाहिए. मतलब इतना कुछ डेंजरस तो नहीं होगा इस पोकेमॉन को हराना. भाई आधी हेल्थ कम हुई है उसकी लिटरली एंड ही इज़ आउट स्पीडिंग अस एंड हेल भी है भाई एंड ही इज़ एडवांटेज. मतलब उसके पास एडवांटेज है हेल का बिकॉज वो उससे रिकवर करता है अपने HP को विच इज़ बैड बट वी फिनिश दैट ऑफ. बैटल उतनी ज़्यादा हार्ड नहीं जा रही है विच इज़ एक्चुअली रियली गुड एंड ओके फ्रूटी भी भाई करीबन 7 या 8 एपिसोड पहले फ्रूटी सबसे कम लेवल का पोकेमॉन था एंड नाउ इट्स एट 49. मतलब ऑलमोस्ट मिस बोर जितना पावरफुल बन चुका है फ्रूटी इन टर्म्स ऑफ लेवल. ओके मैं फिर से एक फ्लेम चार्ज का इस्तेमाल करूंगा बिकॉज क्लिंकलैंग भी एक स्टील टाइप पोकेमॉन है. स्टील एंड इलेक्ट्रिक आई गेस. तो भाई ये उससे भी मतलब थोड़ा सा ही डैमेज हुआ है लगभग इसे थोड़ा सा ही. एंड मेटल साउंड भाई डिफेंस इज गोइंग टू गो डाउन बैडली और ये हेल भी बहुत ज़्यादा तकलीफ देगा. सो लेट्स जस्ट गो फॉर अनादर फ्लेम चार्ज. होपफुली ये इसे ख़त्म कर दे. एंड एक्चुअली द बैटल इज़ नॉट दैट हार्ड आई थिंक. लॉर्ड एन से बैटल के बाद समथिंग इज़ गोइंग टू हैपन बिकॉज थोड़ा सा अनईजी फील हो रहा है. आई थिंक इससे भी ज़्यादा डेंजरस बैटल हमें करनी पड़ सकती है मे बी एल्डर के अगेंस्ट. आई एम नॉट श्योर. ओके ज़ोरॉर्क. ओके ज़ोरॉर्क आई थिंक मिस बोर को ही रहने देते हैं बिकॉज ऐसा कोई दूसरा पोकेमॉन है नहीं हमारे पास जिसके पास कोई फाइटिंग टाइप मूव हो बिकॉज फाइटिंग टाइप मूव्स आर रियली हेल्पफुल अगेंस्ट डार्क टाइप पोकेमॉन. सो बाई वन शॉट लिटरली वन शॉट हुआ है. दिस इज़ गुड. नाइस नाइस एंड मिस बोर इज़ गेनिंग भाई फर्स्ट पोकेमॉन टू रीच लेवल 50 इन आर टीम विच इज़ गुड. हेड स्मैश. ओके मैं नहीं सिखाऊंगा हेड स्मैश. आई नो उसके पास सिर्फ 5 ही PP होता है तो उतना कुछ ज़्यादा हेल्पफुल नहीं रहता है हेड स्मैश. एंड ओ आर्कियोप्स भाई आर्कियोप्स स्विच. आई थिंक मुझे जैप को यहाँ पर ला लेना चाहिए. भाई लॉर्ड एन के पास दोनों फॉसल्स कहाँ से आए. मतलब कैराकोस्टा भी एंड आर्कियोप्स भी. दिस इज़ बैड एंड आर्कियोप्स एक रॉक टाइप पोकेमॉन है राइट तो उसके अगेंस्ट आई थिंक थंडरबोल्ट काम नहीं करेगा. आई एम नॉट श्योर बट अगर वो एक फ्लाइंग टाइप प्योर फ्लाइंग टाइप होता तो थंडरबोल्ट इसे वन शॉट ज़रूर कर देता. ओके इट हर्ट्स बट उतना ज़्यादा हर्ट नहीं होगा. ओ इट एक्चुअली डिड प्रीटी वेल वन शॉट. मतलब भाई जैप भी काफ़ी पावरफुल है. आई वॉज काइंड ऑफ नर्वस अबाउट इट बट जैप ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया एंड वी डिफीटेड लॉर्ड एन and we got 10,000 Poké Dollars, which is cool. A little longer than a few minutes later. Okay, बाहर बहुत गंदी बारिश चल रही थी but now I'm back. Let's see. Zekrom and I were beaten. Your truth, your feeling, they were stronger than mine, it seems. And okay, Zekrom and Reshiram, each of them choosing a different hero. Is that even possible? Two heroes living at same time. One that pursues the truth and the one that pursues ideal. Could they both be right? I don't know. It's not by rejecting different ideas but by accepting different ideas that the world creates a chemical reaction. This is truly the formula for changing the world. हाँ definitely. तो लगता है कि लॉर्ड एन का हृदय परिवर्तन हो चुका है but Ghetsis is here and things are looking really bad right now. Let's see. After all that, you think you are still worthy of sharing the name Harmonia with me? You're good for nothing, boy. Okay, भाई यहाँ पर खतरनाक लेक्चर होने वाला है. To start with, I surpassed N pursuing ideals. The reason we reawakened the legendary Pokemon now was to give my Team Plasma more power. Power to control the fearful masses. That at least was well done. Okay, what is going on right now? After saying you had to put your beliefs on the line to end battle to see which one choose by the legendary Pokemon was the true hero, you lost to an ordinary trainer. Excuse me, भाई ordinary किसे कह रहा है? There is such a thing as being too stupid. Add it up and you are nothing more than a wimp, defective boy who knows nothing but Pokemon. DSB, I would never have thought the legendary Pokemon would choose a trainer like you. It caught me completely off guard. This doesn't change my goal. My plans have not been disturbed. In order to rule this world utterly, in order to manipulate the hearts of people who knows nothing, I will have N to be the king of Team Plasma. But for that to work, you, since you know the truth, you must be eliminated. एंड लगता है कि अब हमें बैटल करनी पड़ेगी गेट्सिस से, बट नो, लुक्स लाइक एल्डर एंड चरन इज हियर. रूल द वर्ल्ड वाज़न्ट टीम प्लाज्मास गोल टू लिबरेट पोकेमॉन. हाँ, डेफिनेटली इनके प्लान लिबरेट करने के थे, बट व्हाट इज गोइंग ऑन राइट नाउ. दैट वाज जस्ट कन्वीनियंट लाई दैट आई नीडेड टू क्रिएट टीम प्लाज्मा. यूज योर हेड. व्हाट्स टू गेन फ्रॉम लेटिंग गो ऑफ यूजफुल थिंग्स लाइक पोकेमॉन? Certainly manipulating Pokemon helps people expand their possibilities, that much I can agree with. So it is naturally follows that only I should be able to use Pokemon. You fool, this is ridiculous. You can say whatever you want. A Pokemon, even if it's reverted as a deity, is still just a Pokemon. DSB, so what if it choose you? Oh bhai, last line nahi padi. Come on now, you'll face me in battle. I can't wait to see the look on your face when you're lost all hope. And here we go, I think it's time for us to finally face Ghetsis. I won't allow anyone to stop me, no matter how does what. But here we go, finally we are against Team Plasma's real boss, Ghetsis, and bhai, he's looking or पूरा क्रेजी एंड क्या बोल सकते हैं उसको, एंग्री. हाँ, एंड ही इज़ गोना स्टार्ट ऑफ विद कॉफ़ी क्रिगर्स. दिस इज़ गोइंग टू बी गुड. अब मैंने स्टार्टिंग में पहले क्रूक को रखा था बिकॉज क्रूक यहाँ पर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है कॉफ़ी क्रिगर्स के अगेंस्ट, तो मैं क्रूक में जल्दी से स्विच कर लेता हूँ. एंड आई वॉन्ट एक्चुअली क्रूक टू बी एट लेवल 50 बिकॉज यू नो ही इज़ माई बेस्ट पोकेमॉन डेफिनेटली. एंड ओके प्रोटेक्ट, बट इट फेल्ड. भाई बहुत बुरा आइडिया था प्रोटेक्ट इस्तेमाल करने का. एंड वी आर आउट स्पीडिंग हिम विच इज़ रियली गुड. भाई वन शॉट हो जाता तो क्या ही होता इसे. वन शॉट, एक क्रिटिकल हिट यहाँ पर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता. एंड टॉक्सिक, दिस इज़ बैड. बट वी आर आउट स्पीडिंग हिम, तो आई डोंट थिंक मुझे हील करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं जल्दी से क्रंच लगा लेता हूँ. एंड भाई प्रोटेक्ट, Why coffee Kriegers and Ghetsis? Why? And this poison thing is going to hurt a lot. Okay, अभी outspeed कर दिया है, which is good. And coffee Kriegers is down. I think ये battle Ghetsis के साथ हमारी थोड़ी सी difficult हो सकती है, because I'm kind of nervous. And the next Pokemon is Hydreigon. Okay. अब मैं यहाँ पर Reshiram को switch कर सकता हूँ, but no, let's just keep Krook in here. एंड होपफुली क्रूक एक दो हिट को तो सर्वाइव कर ही लेगा. ओके फोकस ब्लास्ट, भाई दोनों पोकेमॉन्स ने मूव्स को मिस किया है. एंड क्रूक इज़ एट रियली बैड सिचुएशन, तो एक फुल हील या फुल रिस्टोर लगाना सही रहेगा. ओके वी हैव फुल रिस्टोर. भाई बहुत सारे फुल रिस्टोर लेके रखे हैं मैंने, विच इज़ सुपर हेल्पफुल हियर. एंड क्रूक जस्ट बेयरली लेवल अप, थोड़े से एक्सपीरियंस से बचा है, वरना ही विल बी एट लेवल 50, जो कि काफ़ी अच्छा होता. एंड भाई दो बार हमने उसके फोकस ब्लास्ट को मिस किया है, विच इज़ गुड. बट लगता है कि दिस इज़ गोइंग टू हर्ट. एंड आई थिंक फोकस ब्लास्ट एक फाइटिंग टाइप मूव है, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा डेंजरस, क्या कहूँ मैं. इज़ डाउन, लिटरली इज़ डाउन. नेक्स्ट आई थिंक मुझे रेशिराम का इस्तेमाल करना चाहिए. This is getting scary right now. And okay, let's go for a dragon breath, dragon pulse. Bhai, this is going to hurt a lot. Let's see. Okay, bhai ये वन शॉट कर दे भाई इसे, बस मज़ा ही आ जाएगा. हाफ पर गया है वो, बस हाफ पर। एंड ही इज़ ऑलमोस्ट डाउन, रेशिराम इज़ ऑलमोस्ट डाउन। तो आई थिंक मुझे क्रूक को रिवाइव करना पड़ेगा एंड दिस इज़ द ओनली वे। आई थिंक हम इसे हरा पाएंगे, हाइड्रैगन को। भाई भाई भाई, इट इज़ किलिंग। लगता है कि मुझे रेशिराम को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा बिकॉज उसके अलावा तो आई डोंट थिंक कोई हमारे पास आइडिया है। तो बाय बाय रेशिराम, होपफुली। हाँ भाई, मैं सोच रहा था कि अगर इसे मिस कर दे तो वी कैन यूज़ रेशिराम, बट ही इज़ डाउन। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं रेशिराम को रिवाइव कर पाऊँ, बट फॉर द टाइम बीइंग आवर फोकस इज़ डिफीटिंग हाइड्रैगन। तो जल्दी से कोशिश करता हूँ कि मैं इसे डिफीट कर पाऊँ। आई एम जस्ट गोइंग टू यूज़ अनदर ड्रैगन टेल। और भाई एक और फोकस ब्लास्ट, दिस इज़ गोइंग टू हर्ट। भाई ये वन शॉट ही करने वाला है डेफिनेटली, मुझे तो पूरा लग रहा है ये वन शॉट होगा। भाई थोड़ा सा लेवल अप होता ना, अगर ग्रुप थोड़ा सा लेवल अप होता, ही वुड हैव सर्वाइव्ड। मिसबोर को लेते हैं फ्रंट में, लाइक ही इज़ नॉट दैट स्ट्रॉन्ग अगेंस्ट हिम बट ही इज़ पार्ट डार्क टाइप, सो मे बी। एंड भाई इसके पास सर्फ भी है, ही इज़ अ ऑल इन वन पोकेमॉन राइट नाउ। और इतने से पे बचा है भाई मिसबोर, इतने से पे। प्लीज़ गो डाउन, प्लीज़ गो डाउन। यस, फाइनली। भाई दिस हाइड्रैगन, भाई डेंजर। आई थिंक ये उसका मेन पोकेमॉन है एंड फ्रूटी इज़ एट लेवल 50। भाई दिस इज़ बैड। एंड बुफेलॉन्ट, ओके। आई थिंक हम इसे आउटस्पीड कर सकते हैं बट आई एम नॉट श्योर राइट नाउ। तो मुझे हील कर लेना चाहिए बिकॉज यू नेवर नो, शायद मैं थोड़ा सा स्लो हूँ या फिर इसके पास क्विक अटैक हो, यू नेवर नो कि कब क्या हो। एंड मिसबोर जस्ट गोस डाउन विच इज़ सुपर बैड। एंड हेड चार्ज, भाई क्या मूव है ये, पूरी स्क्रीन हिला दी भाई। एंड ओके, उसने भी खुद रिकॉइल डैमेज लिया है। एक और फुल रिस्टोर लगाना सही रहेगा। आई एम काइंड ऑफ स्केयर्ड राइट नाउ बिकॉज भाई इस बुफेलॉन को देखो तो तुम, इज़ लुकिंग ऑल पावर्ड अप। और फिर से एक हेड चार्ज आ चुका है। भाई क्रिटिकल हिट एंड मिसबोर इज़ डाउन। दिस इज़ बैड। वाह। आई नो मुझे थोड़े से पोकेमॉन्स को रिवाइव कर लेना चाहिए बट आई डोंट नो क्या करूँ। लेट्स गो फॉर अ फ्लाई। फ्रूटी कुछ तो काम आए भाई, कुछ तो काम आए। एंड इस टाइम पर मैं कोशिश करूँगा कि मैं रिवाइव कर पाऊँ किसी को। अगर ये काम नहीं करता है तो डेफिनेटली डिडंट वर्क। और भाई वाइल्ड चार्ज भी है इसके पास। गेट्सिस के सभी पोकेमॉन ऑलराउंड तरीके से बनाए गए हैं। एंड बुफेलॉन्ट, भाई मैं इसे एयर स्लैश से ख़त्म कर सकता हूँ डेफिनेटली। वाई गेट्सिस भाई, वाई फुल रिस्टोर की क्या ज़रूरत थी। दिस इज़ बैड। मुझे डेफिनेटली फ्रूटी को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। आई विल हैव टू रेजरैक्ट रिवाइव मिसबोर। ओके, तो मिसबोर को रिवाइव कर लिया है। पॉइजन जैब, भाई फिनिश अप, ख़त्म। फ्रूटी यू डिड प्रिटी वेल एक्चुअली। लेट्स स्विच टू मिसबोर। एंड भाई प्लीज़ हेड चार्ज का इस्तेमाल मत करना, प्लीज़ आई बेग यू। लेट्स गो फॉर अ ब्रेक। वी आर आउटस्पीडिंग दिस बुफेलॉन विच इज़ गुड। एटलीस्ट ये पिग, फैट पिग थोड़ा सा भारी है। एंड भाई ये क्या लगा क्या रखा है भाई, 1 HP पे बच रहा है वो। This is so bad. Okay, now we can definitely outspeed this dude. So नहीं, उसने खुद को ही ख़त्म कर दिया which is good. Okay, experience भाई बहुत gain कर लिया and level 51 which is good. And next Pokemon is Seismitoad. Okay, we have Grassy which is good because Seismitoad बहुत ज़्यादा weak रहेगा Grassy से। तो hopefully इसके पास वो rock type कोई move ना हो। सो लेट्स गो फॉर अ लीफ ब्लेड। आई थिंक लीफ ब्लेड से ये वन शॉट हो ही जाना चाहिए। नॉट क्वाइट श्योर बिकॉज लेवल थोड़ी कम है बट इट डिड क्वाइट वेल। वन शॉट कर दिया है विच इज़ गुड। एंड भाई बहुत अगली दिखता है ये पोकेमॉन, ट्रस्ट मी, इट लुक्स रियली अगली। but it's quite useful as well. Don't get me wrong, it looks ugly but it is good in battles. तो नेक्स्ट पोकेमॉन है इलेक्ट्रोस. ओके, आई थिंक मुझे स्विच नहीं करना चाहिए. आई थिंक आई एम गोना गो इन विद अनदर लीफ ब्लेड. लेट्स गो फॉर अ लीफ ब्लेड. होपफुली ये इस इलेक्ट्रोस को ख़त्म कर पाए. भाई जस्ट गो डाउन. अगर मैं अभी क्रूक का इस्तेमाल करता तो भाई डिग से इसे ईजीली ख़त्म कर सकता था, तो वो अच्छा होता. बट नो, आई थिंक डिग भी इस पर काम नहीं करेगा. ओके 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 ओके, नाउ वी आर एट अ बैड सिचुएशन. हमारे बस दो ही पोकेमॉन्स बचे हैं एंड दिस इज़ बैड. तो मैं इलेक्ट्रोस को आई थिंक मुझे सैक्रिफाइस करना पड़ेगा. आई एम गोइंग टू रिवाइव दिस टाइम क्रूक. तो बाकी पोकेमॉन्स को भी रिवाइव कर ही लूँगा मैं. रेशिराम को रिवाइव करना सही रहेगा आई थिंक. एंड ओके भाई ये फ्लेम थ्रोअर भाई बहुत डेंजरस है. मेरे पास के फुल रिवाइव्स ख़त्म हो चुके हैं, मैक्स रिवाइव. सो आई थिंक नॉर्मल रिवाइव लगाना ही सही रहेगा. एंड यस देखते हैं कहाँ पर है भाई. ये रहे. आई थिंक रेशिराम को रिजरेक्ट करना सही रहेगा, रिवाइव करना. एंड ओके अनदर फ्लेम थ्रोअर. अगर ये बच गया तो बहुत सही, बहुत सही. बर्न हो चुका है भाई. लिटरली टू पर बचा है, वो टू पर बचा है. आई एम गोना स्विच इन टू क्रूक और मैं क्रंच से इसे ईजिली ख़त्म कर सकता हूँ. सो आई एम गोना डू दैट रियल क्विक. तो चलते हैं. एंड दिस बैटल इज़ एक्चुअली रियली टफ, ट्रस्ट मी, बिकॉज लॉर्ड एन को हराना भी उतना ज़्यादा हार्ड नहीं था, बट भाई इसके लिए बहुत ज़्यादा सोचना पड़ रहा है. एंड मैं पूरा फ़ैन ऑफ करके बैठा हूँ बिकॉज बाहर गंदी गंदी बारिश हो रही थी. तो आई वॉज स्केयर्ड कि बस इलेक्ट्रिसिटी चली जाएगी एंड आई विल लूज़ दी होल गेम प्ले. तो आई एम स्टिल स्केयर्ड बट लुक्स लाइक वी फिनिश्ड इट ऑफ एंड फाइनली. आई थिंक ये लास्ट पोकेमॉन था, आई एम नॉट श्योर. बट क्रूक गेंड लेवल. क्रूक अभी लेवल 450 पर है एंड ज़ैप इज़ एट 47. नाइस. एंड बिशार्प. ओके अबे नहीं, मुझे मिस बोर पर स्विच करना चाहिए था बिकॉज दिस थिंग इज़ अ डार्क एंड स्टील टाइप. तो इस पर कोई भी मूव काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता. बट फॉर द टाइम बिंग आई थिंक आई एम गोना गो इन विद अ ड्रैगन टेल एक्स इज़. और भाई दिस इज़ गोइंग टू हर्ट डेफिनेटली. बहुत गंदा डिसीज़न था मेरी तरफ से, बहुत ज़्यादा गंदा डिसीज़न था. सो आई थिंक मुझे मिस बोर को हील करना चाहिए. आई थिंक हाँ डेफिनेटली, बिकॉज रिस्क लेने नाम बनते हैं रिस्क से. बट क्या करें, रिस्क लेना सही नहीं रहेगा यहाँ पर. सो एक फुल रिस्टोर लगा लेते हैं. देन आई एम गोना यूज़ फ्लेम चार्ज बिकॉज उससे स्पीड बूस्ट मिलेगा. तो अगर हम आउट स्पीड नहीं कर पाते हैं इसे तो भी सही रहेगा. स्टोन एज. दिस इज़ गोइंग टू हर्ट अ लिटल. भाई क्रिटिकल हिट हर जगह पर. बस क्या यही चल रहा है क्या भाई? मुझे एक क्रिटिकल हिट मिला है अब तक, बस एक, समझ रहे हो, एक. एंड ओके आई थिंक इसके बाद विल बी एबल टू. भाई क्रिटिकल हिट ना हो तो बहुत अच्छा है. अनादर स्टोन एज. एंड ओके दैट वाज नॉट दैट बैड, दैट वाज गुड एक्चुअली. तो लेट्स गो फॉर अ फ्लेम चार्ज बिकॉज अगर मैं इस आउट स्पीड नहीं करता हूँ देन वी आर गोइंग टू गेट दैट स्पीड बूस्ट नेक्स्ट टाइम के लिए. तो आई थिंक दैट वॉज गुड बट नॉट दैट गुड. अभी यहाँ पर स्टोन एज. भाई क्रिटिकल हिट ना हो. यस डेफिनेटली यस. भाई लेट्स जस्ट फिनिश दिस अप रियल क्विक. आई थिंक ये फिनिश कर ही देगा इसे, बट वी डोंट नो. भाई 1 HP पे बचते हैं वो कभी कभी. बट नो, दिस टाइम बिशार्प एक्चुअली गो डाउन. एंड यस फाइनली वी डिड इट. वी डिफीटेड टीम प्लाज्मास गेट्सिस. एंड भाई ये क्या चिंदी हरकत है भाई. 9720 ये क्या नंबर हुआ भाई. लॉर्ड एन ने तो भी 10,000 $10,000 दिए थे. ही इज़ रियली चीप मैन. व्हाट? आई क्रिएटेड टीम प्लाज्मा विद माई ओन हैंड्स. आई एम एब्सोल्युटली परफेक्ट. आई एम परफेक्शन. आई एम परफेक्ट रूलर ऑफ अ परफेक्ट न्यू वर्ल्ड. भाई कुछ ज़्यादा परफेक्ट नहीं हो गया ये? नाउ एन, डू यू स्टिल थिंक पोकेमॉन एंड पीपल शुड बी सेपरेटेड? Since I couldn't become the hero and obtain the legendary Pokemon myself, I prepared someone for that purpose. N. He's nothing more than a freak with a human heart. Do you think you are going to get through to a rapt person like that? Elder, it's a waste of valuable time listening to him ramble on. He is the one without a human heart. You're right, he's truly pitiful. And I'm sure you have much to think about. I know you were not pursuing ideals because of Ghetsis' manipulation, but because your heart was really inspired. That is why you were able to meet the legendary Pokemon. And okay, definitely Lord N का हृदय परिवर्तन चल रहा है. But I have no idea to be the hero. Is that so? What you and the legendary Pokemon are going to do from now on? That's important, wouldn't you say? Okay. Like acting like you understand. Up till now, I have been fighting each other over our beliefs. Yet despite that, why? And even if we don't understand each other, that's not a reason to reject each other. There are two sides of any argument. Is there one point of view that has all the answers? Give it some thought. And भाई ये दोनों ने घेर लिया है Ghetsis को and they are taking him like literally भाई उठा के ले गए उसको. And okay, definitely the episode is getting way long. मतलब almost 40 minutes recording हो चुकी है. We'll see. I want to talk to you about something. What is it? Okay, ये कहाँ लेके जा रहे हो भाई हमें? What is going on? वहाँ पर थ्रोन था ना शायद, पर वो तोड़ दिया ज़ेक्रॉम ने, which was bad. It's about when I met you in Accumula town. I was shocked when I heard that your Pokemon was saying. I was shocked because that Pokemon said it liked you. It said it wanted to be with you. I can't understand it. I couldn't believe there were Pokemon who liked people. Because up until that moment, I had never known a Pokemon like that. I definitely like my Pokemon, dude. The longer my journey continued, the more and sure I became. All I kept meeting were Pokemon and people who communicated with each other. They helped one another. That was why I needed to confirm my belief by battling with you. I wanted to confront you. Hero to hero, I need that one more than anything. And okay, what is going on? Please don't tell me you are going to jump from there. There is no way a person like me, someone who understands only Pokemon. No, actually, I don't understand them either. No way I could measure up to you. When you had met so many Pokemon and were surrounded by friends. I think he's going to jump. The champion has forgiven me, and what I should do now is something I'll have to decide for myself. And oh, okay, उन्होंने Zekrom को बाहर निकाल लिया है, but definitely Lord N is not bad. Please don't hate him. He's a really cool dude. बस उनके intentions थोड़े से बुरे थे, but he's a really cool dude and I really like him. So please don't go, Lord N. You said you have a dream. That dream, make it come true. Make your wonderful dream a reality and it will become your truth. TSB, if anyone can, it's you. Well then. Farewell. And with that, finally, हमने finish कर दी है Pokemon Black की main story. It took me like 4 or 5 months to do this, so yeah, it was really long time, but it was actually fun to do this series. मतलब बहुत ज़्यादा इवॉल्व हुआ हूँ मैं इस फर्स्ट एपिसोड से लास्ट एपिसोड के बीच में. मतलब मैं खुद एज अ पर्सन इवॉल्व हुआ हूँ, नॉट एज अ पोकेमॉन इवॉल्व हुआ हूँ. बट नो, ट्रस्ट मी, इट इज़ रियली फन टू डू दिस काइंड ऑफ स्टफ एंड डेफिनेटली आई विल ट्राई टू कंटिन्यू मोर ऑफ पोकेमॉन गेम्स. और ऐसे ही अमेजिंग गेम्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. बाय द वे, हम इस गेम की बाकी पोर्ट स्टोरी को भी कंप्लीट करने वाले हैं. डोंट वरी अबाउट इट. We are actually also going to catch all the legendary Pokemons और थोड़े से कुछ अलग टाइप के runs भी try करूँगा मैं इसी के बीच में. तो मे बी जस्ट क्रूक का इस्तेमाल करके हम पूरे एलिट फोर को स्विप करने की कोशिश करेंगे. विल डिसाइड ऑन दैट. बट उसके लिए यू हैव टू जॉइन मी ऑन द डिस्कॉर्ड, बिकॉज वहाँ पर हम इसी बात पर थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं जल्दी. सो विल सी अबाउट दैट. बट फॉर द टाइम बीइंग, थैंक्स फॉर बीइंग एन अमेजिंग ऑडियंस. मतलब यू गाइज रियली सपोर्टेड मी थ्रू आउट दिस. मतलब मैंने पहले सोचा नहीं था कि जो एक पुराना चैनल जो ऑलमोस्ट डेड था गेमिंग वाला, उस पर मैं वीडियोस को अपलोड करूँगा एंड यू गाइज विल एक्चुअली लव इट। वी आर ऑलमोस्ट एट 2000 सब्सक्राइबर्स विच इज़ क्रेजी, रियली क्रेजी टू थिंक अबाउट 2000 सब्सक्राइबर्स। ऑल्दो माइट नॉट साउंड बिग बिकॉज भाई मेरे पास 1.5 लाख के ऊपर सब्सक्राइबर्स है, बट नो आई जेन्युइनली लाइक ऑल दोज 2000 पीपल जो एटलीस्ट सब्सक्राइब करके देखते हैं इन वीडियोस को। जो देखते हैं भाई वो तो बहुत करीब है मेरे दिल के, यू आर रियली स्पेशल। जो भी कमेंट करता है दे आर ऑल्सो वेरी वेरी अमेजिंग। सो ओवरऑल आई एम जस्ट सेइंग दैट थैंक्स फॉर बीइंग एन अमेजिंग ऑडियंस। और आई नो मैं थोड़ा सा लेट वीडियोज़ अपलोड करता हूँ बट आई वॉन्ट टू प्रोवाइड क्वालिटी कॉन्टेंट अ लिटल बिट, तो कोशिश तो चलती ही रहती है। सो जस्ट सेइंग थैंक्स फॉर बीइंग हियर and I really appreciate it, but finally we finished the game and it feels good, it feels good and I think that's it। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए thanks for watching।